गाइस, आज हमारे पास है ज्यून प्लेन। हम लोग ने अभी जस्ट परचेस किया है अभी रिसेंटली, और कैनन 80D विद 50mm लेंस। सो गाइस, आज हम लोग आपको गिम्बल कैसे स्ट्रेबल करते हैं और इसके क्या मोड्स है, इसके क्या रूल्स है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, हम लोग आपको सब बताएंगे और कैमरे की भी सेटिंग के साथ बताएंगे कि कैसा होना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइज, अब हमारा कैमरा स्टेबल हो चुका है, वो अभी थोड़ा हिल रहा है, इसलिए हवा चल रहा है क्योंकि अभी कैमरा मतलब गिम्बल चालू नहीं है। गाइज, आपका कैमरा तो ही ज़्यादा स्टेबल होगा जब आप बिना गिम्बल स्टार्ट किए आपका कैमरा एकदम स्टेबल होगा। देख लीजिए, जैसे ये एकदम स्टेबल हो चुका है, एकदम स्ट्रेट है। और अब कैमरे के सेटिंग्स तो आपको बताऊंगा, पहले इसके पहले आप पहले गिम्बल का सेटिंग्स देख लीजिए। ये है गिम्बल सेटिंग, जो ये पार्ट है ये अपना जूमिंग के लिए है, जो कि सिर्फ सोनी और पैनासोनिक के लिए अवेलेबल है, कैनन के लिए और निकॉन के लिए अवेलेबल नहीं है। और ये स्विच है ऑन करने के लिए, और ये मोड चेंज करने के लिए, इससे आप मोड चेंज कर सकते हैं। गाइस, आप फर्स्ट क्लिक पे लॉक मोड कर सकते हैं, एंड टू क्लिक पे आप इसको रोल मोड कर सकते हैं, जिससे इसका रोल एक्सिस ऑन होगा। और इसका जो थ्री क्लिक होगा वो सेल्फी मोड होगा, डायरेक्ट मतलब कैमरा आपके फ्रंट में आएगा, जिससे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं लाइक मुंबई कर निखिल। और ये हमारा कंट्रोल है, इसको अप करने से कैमरा अप, डाउन करने से कैमरा डाउन, और आजू बाजू लेने से लेफ्ट हैंड राइट होगा। सो ये थी इस गिम्बल की, स्टॉप किया गया, तो ये थी इस गिम्बल की। सो गाइज, आपका सबसे ज़्यादा टाइम टेक करेगा ये बैलेंस करना। इसको बैलेंस करने के लिए आप जैसे हम लोगों ने बैलेंस किया हो तो आप देखे होंगे, लेकिन अब फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। गाइस, जब भी कैमरा इस साइड होगा या इस साइड होगा, तो आपको ये वाले मतलब ये वाले एंगल को इसको बैलेंस करना है। जैसे इस साइड जा रहा है तो इस साइड थोड़ा इसको खींचो, मतलब वो आप अपने थोड़े कैमरे के वेट के हिसाब से आप उसको बैलेंस कर लेंगे। सो अब ये बैलेंस है, तो अब हम लोग ऑन करते हैं। और हाँ गाइस, एक बात याद रखना कि ये जो गिम्बल है ये सिर्फ 18 grams वेट ले सकती है, उसके अप पे ग्रेड मत लेना। लाइक फाइटिंग मार्क 4 टोटल कुछ 810 ग्राम का है,
और लेंस उसके साथ आप 2105 यूज़ कर सकते हैं या फिर छोटे लेंस। लेकिन गाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी गिम्बल के साथ लेंस यूज़ करो सिर्फ 50mm लेंस यूज़ करो, बिकॉज 50 लेंस इज़ द गुड फॉर द गिम्बल एंड ऑटो फोकस अच्छा होना चाहिए। गाइज एक और चीज़ कि आप कोई छोटे कैमरे यूज़ ना करें, लाइक 700 500 ये सब कैमरे यूज़ ना करें, सिर्फ 80D 5D बड़े कैमरे यूज़ करें जिसका ऑटो फोकस अक्रॉस पॉइंट ज़्यादा हो। सो ये थी गिम्बल की सेटिंग। और एक और चीज़ गाइज, कभी कभी क्या होता है जब आप कैमरा लेंगे, कैमरा मतलब जो वेटेड कैमरा होगा लाइक 5D एंड 6D 7D वगैरह कैमरा, वो थोड़े हैवी रहते हैं और थोड़े बड़े रहते हैं, तो आप उसको कभी गिम्बल पे लगाएंगे ना तो आप यहाँ पे से टच करेंगे ना तो कैमरा से ऐसे हिलेगा। फिलहाल अभी ये 80D है, ये तो नहीं हिल रहा है, बट जब आप 5D यूज़ करेंगे तो हिलेगा। सो उसके लिए ना मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्या करना है। सो उसके लिए एक मोबाइल में सेटिंग है, तो चलो आओ देखते हैं। सो गाइस आप अपने सेलफोन में जाएंगे और सेलफोन में जाने के बाद जो रेडिटर का जियोन असिस्टेंस और जियोन प्ले दिख रहा है उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, दोनों भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और फिर जियोन असिस्टेंस ओपन करेंगे, ये आपका कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। फिर आफ्टर दैट गाइस आप लोग कनेक्शन पे क्लिक करेंगे ऊपर साइड जो कॉर्नर में है, और उसके बाद आप ये वाईफाई के सिम्बॉल ब्लूटूथ है इसको ब्लूटूथ ऑन करेंगे, और फिर जो आप आपका जो क्रेन का नेम रहेगा वो आप ओपन करेंगे ना वैसे यहाँ पे नेम आ जाएगा उसका। सो अभी तो हम लोग का गिम्बल थोड़ा बाहर एक्चुअली, सो उसको ओपन कर देंगे। उसको ओपन करने के बाद नीचे जो सेटिंग्स दी रहेगी, अभी मेरा डिस्कनेक्ट इसलिए नहीं दिखा रहा है, नीचे सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और उसके एकदम ऊपर जाएंगे ना, नीचे सॉरी एकदम नीचे एकदम लास्ट में दिया रहेगा मोड्स। सो आप उस पर एकदम स्ट्रॉन्ग कर देंगे और स्ट्रॉन्ग करते ही आपका कैमरा एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हिलेगा नहीं। सो गाइस स्ट्रॉन्ग मोड करने के बाद अब ये नहीं हिलेगा, सो ऑन करो। तो गाइस देखो इसको कंटिन्यू दबाने से देखो अभी किस तरह कैमरा स्टेबल होगा, ये देखे एकदम टाइट हो चुका है, स्टेबल हो चुका है और कैमरा एकदम स्टेबल हो चुका है। आप समझ अब देख लीजिए कितना भी थोड़ा ऊपर नीचे देख लीजिए, कितना भी अप डाउन कितना भी आजू बाजू कुछ भी करो बट कैमरा नहीं हिलेगा। और ये हमारे कैमरामैन अमन वर्मा, हमारा एक और चैनल है यूट्यूब लवर क्रिएशन, उस पर हम लोग शॉर्ट फिल्म चलते हैं, सो वॉच अस। एंड ये हमारे मॉडल है, आज का जो वीडियो शूट होगा इन्हीं के ऊपर शूट होगा। हाय हाय कुछ तो करो पांडे। अरे नाउ वीडियो स्टार्ट करेंगे, हमारे अमन शूट करेंगे गिम्बल से। अब हम लोग आपको गिम्बल से दो तीन शॉट लेके दिखाएंगे, प्रोफेशनल शॉट सिनेमैटिक लुक। लेट्स गेट